जेलों में सुधार को लेकर एक बार फिर से जेल महकमे ने कवायद शुरू की है। जेलों में अव्यवस्थाएं और प्रतिबंधित सामग्री मिलने की खबरें सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने एक विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। जेल जहां कैदियों को बंद किया जाता है ताकि जुर्म करने वाले अपने काम पर पश्चाताप कर सके, लेकिन सूबे की कई जेल से गैंग वॉर की तस्वीरें निकल चुकी हैं, तो मोबाइल, तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसी चीजें मिलना आम बात है। जेल की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों ने जेल प्रशासन को लापरवाही के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। जेलों की होगी तलाशी, जेल महकमे ने शुरू किया विशेष अभियान। जेलों में पहुंच रही प्रतिबंधित चीजों पर कसेगी लगाम। गैंग वॉर जैसी वारदातों को रोकने की होगी कोशिश। राजस्थान हाईकोर्ट भी जता चुका है नाराजगी। 30 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान। प्रदेश की जेलों की अव्यवस्था को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद प्रदेश का जेल महकमा हरकत में आया है। तमाम सवालों को स्थगित करते हुए जेल प्रशासन ने जेलों के हालात सुधारने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिससे जेल के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों पर लगाम कसी जा सकेगी। 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रदेश की जेलों में पहुंच रही प्रतिबंधित सामग्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रकार की इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाएगी, सूचनाएं एकत्र की जाएंगी, सर्च ऑपरेशंस चलेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में बंदी किसी भी प्रकार से मोबाइल या दूसरे मादक पदार्थ, निषिद्ध पदार्थ का उपयोग ना कर सकें और जेल किसी भी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों का केंद्र ना बन सके। इस मूल ध्येय वाक्य के साथ ये अभियान हमने शुरू किया है। 20 दिन तक चलेगा विशेष अभियान। अभियान के तहत जेलों को खंगाला जाएगा। जेल की गतिविधियों की रिपोर्ट हर दिन जेल मुख्यालय भेजी जाएगी। गतिविधियों में संलिप्त जेल कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। 20 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रदेश की हर जेल को खंगाला जाएगा। जेलों में संचालित होने वाली अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट हर दिन जेल मुख्यालय को भेजी जाएगी। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों में लिप्त जेल कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ताकि जेलों में पहुंच रहे प्रतिबंधित सामानों पर रोक लगाई जा सके। किसी भी प्रकार के अपराधियों के साथ मिलीभगत या आपराधिक गतिविधियों में लिप्तता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी और माननीय सीएम साहब ने जो इस संबंध में ध्येय वाक्य दिया है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, क्राइम्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसकी पूरी तरह से पालना की जाएगी। जेल को सुधारने के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान कोई पहला अभियान नहीं है। इससे पहले भी जेलों में चल रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए चलाए गए अभियान फिसड्डी साबित हुए हैं, लेकिन जेल प्रशासन और राजस्थान एसओजी की तरफ से शुरू हुआ ये संयुक्त अभियान कितना कारगर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जेल में चल रहे गैंग वॉर पर लगाम कस पाएगी ये देखना होगा। जेल में पहुंच रही अवैध सामग्री जेल के बाहर ही पकड़ ली जाएगी ये भी देखना होगा। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।